ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज आप टेलीग्राम पे देख रहे होंगे, हमने जो ट्रेड लिया था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही 925 पे बाय का ट्रेड लिया था, ठीक है। अभी मैं आपको उसका पूरा एक लॉजिक बताऊंगा, पूरी रीजनिंग बताऊंगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। नंबर सेकंड, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने सिंपली मॉर्निंग में लिख दिया था आई विल नॉट सेल टुडे, इधर बाय और नो बाय, ठीक है। ऐसा डेटा बहुत कम बन के आता है जहाँ पे आपका बहुत स्ट्रांग वो हो, मतलब ओपनिंग टिक पे ही सीधा कंडीशंस मैच हो जाए, ओपनिंग टिक पर बहुत ही तगड़ी तरीके से कंडीशंस मैच हो, तो यहाँ पे आपका अप ट्रेंडिंग का जनरली वो डे रहने को होता है, या फिर डाउन ट्रेंडिंग में जनरली वो डे रहने को होता है, ये चीज़, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। ये हमारा अब आते हैं कि 925 पे हम लोगों को क्या ट्रेड रहता है और क्यों लिया था। ये एक टिपिकल डे होता है, फॉल्स ब्रेकडाउन का केस था, दो चीज़ें बहुत ही प्राइस एक्शन पे बहुत ही बेहतरीन बनना था, ठीक है। इसलिए डेटा आने से पहले मैंने बाय कर दिया था और वेट करवाया था, होल्ड कराया था, कि आपने देखा होगा मैंने मैसेज डाला था होल्ड करना है कि ट्रेड को होल्ड करो, ठीक है। वैसा करके यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फॉल्स ब्रेकडाउन, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर आता है, ये हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया हुआ है, ठीक। जब मार्केट खुला ना तो वापस से इसी एरिया पे इसने सपोर्ट ले लिया और फिर मार्केट आया। हमेशा ये ब्रेकआउट बहुत लेजिट होता है कि मार्केट में इस तरीके से मार्केट एक बहुत टाइम से रेंज में हो, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रीटेस्ट किया एंड देन ब्रेकआउट जब जाती है ऊपर, तो हम क्या करते हैं इसमें ट्रेड क्या लेते हैं, रीटेस्ट पे एक भी पॉजिटिव कैंडल बनती है उसका हाई टूटते हैं अपन लोग बाइंग की साइड जाते हैं, सिंपल ट्रेड होता है। हालांकि बीच बीच में सेलिंग आ रही थी, जब डेटा आपका आ गया तो कन्फर्मेशन डबल हो गई, ठीक, तो इसलिए मैं लिख देता सेल तो करना ही नहीं है चाहे कुछ हो जाए। मार्केट ऊपर गया बहुत ही स्लो पेस में, बैंक निफ्टी तो तब भी जा रहा था लेकिन निफ्टी का पेस बहुत ही स्लो था। उसके बाद नीचे आया, थोड़ा सा हिकअप मारा एंड देन इस तरीके से आपका प्राइस एक्शन बना, डेटा इस काइंड ऑफ पॉजिटिव बन रहा है, मार्केट में प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव है। हम लोग देखेंगे अगर कोई बड़ा गैप खुलता है फिर हम लोग रिवर्सल की तरफ प्लान करेंगे, अदरवाइज हम लोग बाइंग की साइड प्रेफर करेंगे, बस एक कंडीशन को छोड़ के गैप डाउन की। गैप डाउन की कंडीशन होगी तो हम लोग लगाएंगे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी, गैप अप होगा रेंज रिवर्सल को प्लान करेंगे और सिंपली इस तरीके से रखेंगे। लेकिन अभी जो है आपको सब चीजें पॉजिटिव दिख रही हैं, ठीक। सेल कहाँ किया जाए, अगर डेटा कल नेगेटिव निकल के आता है और इसके नीचे मार्केट जाना शुरू कर देता है तब हम लोग सेल की तरफ जाएंगे, टुवर्ड्स अपना यहाँ तक का टारगेट होगा, ठीक है। ये अपना बैंक निफ्टी का होगा, सिंपली आपके जो लेवल्स आ रहे हैं 40,400, ठीक है, ऊपर में यहाँ पे अगर इसके जो आ रहा है वो आ रहा है 40,525 मान लो, ठीक है, वैसा करके ऊपर नहीं तो इसका डे हाई क्रॉस करेगा, देन अगेन वी विल गो टुवर्ड्स बाय टुवर्ड्स 40,941,000 के आसपास के लिए, ठीक। ये अपना एक्सपायरी पे हुआ। अब ध्यान से सुनना, अगर मार्केट कल एक फर्स्ट हाफ में रेंज में रह जाता है, मतलब मार्केट ऊपर नीचे इस तरीके से करता है और सेकंड हाफ में फिर वो ऊपर की तरफ जाता है, तब हम लोग हीरो जीरो को भी प्लान कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक मोमेंटम ऊपर की साइड मिल रहा है, तो हीरो जीरो अगर अपसाइड मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, सेल साइड में उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे, ठीक। तो ये अपनी पूरी एक्सपायरी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी है। एक बार हम लोग इसका ऑप्शंस का डेटा भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाए। अभी देखो यहाँ पे मैं बिना बताए आपको बता दूंगा कि पुट राइटिंग आपकी खूब होगी, ठीक, आप देख लेना खुद दिख जाएगी आपको। यहाँ पे आपकी ह्यूज पुट राइटर्स हैं, एक 31 लाख 20 लाख, कल यहाँ पे कॉल लेटर्स बहुत थे, ठीक है, और कॉल लेटर्स को ट्रैप होने का हम लोगों ने लेवल भी देखा था कब, कि वो ट्रैप होना कब चालू होंगे। सिंपली देखो स्ट्रैडल का प्राइस देखो 203 रुपीज़ 75 रुपीज़, ठीक है, तो हम मोटी मोटी एक्सपायरी की अगर रेंज निकालेंगे तो 41,000 के ऊपर की रेंज आ रही है और नीचे की रेंज आपकी 40,500 पे आपको मुझे सपोर्ट दिख रही है अच्छी, बिकॉज अच्छे एग्रेसिव पुट राइटर्स हैं, ठीक है। कॉल राइटर्स भी आपके एक्टिव हैं, ठीक है ना, कल भी हम लोगों ने देखा था कि पुट राइटर्स भी एक्टिव थे लेकिन उतने नहीं थे, लेकिन कॉल राइटर्स कल बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, ये वाले देख रहे हो, ये सारे आपके शॉर्ट कवर हुए। टिपिकली मार्केट में ट्रेंड तेजी कब आती है, जब कॉल राइटर्स भाग रहे हों, ठीक है, पुट राइटर्स आ रहे हों, प्राइस ऊपर जा रहा हो, तो ये एक ट्रेंडिंग डे की पहचान होती है, हम लोगों ने इसको कई बार देखा हुआ है, ठीक है। एक बार निफ्टी का भी डेटा देख लेते हैं और फिर उसके बाद अपन लोग चार्ट पे निफ्टी के चलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कल शॉर्ट कवरिंग आती है ऊपर की साइड तो निफ्टी में ज़्यादा तेज आएगी बैंक निफ्टी से ज़्यादा। उसका रीज़न क्या है, निफ्टी में शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक, 17,400 पे 63 लाख, हालांकि इतने लोग गए हैं, ठीक है, फिर भी आपके दिख रहे हैं 17,525 के आसपास के आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगी। क्यों मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे आपके अच्छे खासे कॉल राइटर्स बैठे हैं।
अगर इन्होंने 26 रुपीज़ के आसपास भी, 28 रुपीज़ के आसपास भी इसको शॉर्ट किया कॉल लेटर्स ने, तो 525-30 विल बी अ रेजिस्टेंस जोन। इसको क्रॉस करेगी तो अगेन अपने को 580-600 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इधर की तरफ आते हैं तो आपको 60 लाख, 27 लाख। बस एक चीज याद रखना, अगर कल गैप डाउन खुलता है, ठीक है, जो कि आज फेड की मीटिंग है उसके आउटकम है, हमने सारी पोजीशंस को एग्जिट कर दिए, सिर्फ एक हमारे पास, क्योंकि वो प्रॉफिट में रन हो रहा था, वो हमारे पास स्ट्रेडल पड़ा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें अपने को एग्जिट कर दिया। रीजन क्या है, पता नहीं कल मार्केट क्या हो। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है, आपकी प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मतलब 50-50 प्रोबेबिलिटी है, तो अवॉइड करना चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए, है ना। अब चलते हैं इसके चार्ट पे और देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। टेलीग्राम पे भी मैं फरवरी मंथ का जो भी आएगा परफॉर्मेंस वगैरह आपको शेयर कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे जो होगा, ठीक है। और जो भी फरवरी, मतलब 2nd फरवरी से मैंने खुद पर्सनली उस पर काम करना शुरू किया है और पर्सनली मैं उस पर ट्रेड्स देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो भी होगा रिपोर्ट होगा, और अब मैं आपको वीकली दिया करूँगा, मतलब जो भी आज जैसे 1st मार्च है, 2nd मार्च है, तो 7th मार्च के आसपास उसको रिपोर्ट पब्लिश कर दिया जाए करेंगे, ठीक है, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। निफ्टी में आते हैं, निफ्टी में क्या है, सेम चीज़ निफ्टी में है, लेकिन निफ्टी में थोड़ा सा उतना तेज मोमेंटम ही है लास्ट में, हालांकि तो उसने एक ब्रेकआउट दे दिया था, ठीक है, 425 हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कल, अगर आपको याद होगा, शीट खोल के देखना, निफ्टी बैंक का आपका 40,700 एक रेजिस्टेंस लेवल था, वहीं से मार्केट लौटी थी, नंबर वन। नंबर सेकंड, आप जब निफ्टी का देखोगे तो 420 के आसपास, 440 के आसपास जो आपका रेजिस्टेंस लेवल आ रहा था, और मार्केट बार बार वहीं से लौट रही थी, ठीक है। इसके बाद एक ब्रेकआउट फॉल्स दिया, मार्केट नीचे आई। ये फॉल्स ब्रेकआउट में भी हमने सेल क्यों नहीं किया, बिकॉज डेटा बहुत बुलिश था, ठीक है। तो इस अगर ये मान लो, हम जनरली क्या प्राइस एक्शन में देखते हैं, अगर कोई फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो मार्केट तेजी से नीचे आती है, ठीक है, लेकिन हमने सेल नहीं किया। उसके बाद ब्रेकआउट आया, अब फिर तीन केसेस होंगे, गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज, ठीक है। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, बहुत बड़ा गैप अप, तो फिर रिवर्सल को प्लान करेंगे। थोड़ा बहुत गैप अप मिलता है तो यहाँ के आसपास कोई अपने को बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे भी था, है ना, क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट थोड़ा नीचे है, फिर उसके बाद उसने दिया, तो वैसा करके। तो सिंपली हमारे लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं, डाउन साइड जब तक इस लेवल को ना टूटे, इस वाले को जो निकल के आ रहा है आपका 17,400, ठीक है, तब तक अपने लोग इसको शॉर्टिंग नहीं करेंगे, 380 के नीचे अपने लोग शॉर्टिंग को प्लान करेंगे, नहीं तो अगर कोई भी डिप मिलता है तो उसमें बाय करने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन, दोनों ही केस में वेट करेंगे फिर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।